पिछले कुछ महीनों में भारत की राजधानी दिल्ली ने काफी कुछ झेला है, चाहे वो स्टूडेंट्स पर पुलिस द्वारा बर्बरता हो या नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण। पिछले कुछ महीनों में जितनी भी घटनाएं हुई उन सब में दिल्ली पुलिस का नाम काफी सामने आया। दिल्ली वासियों ने दिल्ली पुलिस का एक दूसरा ही रूप देखा। आज हम दिल्ली पुलिस की इन सब घटनाओं में क्या भूमिका रही उन पर बात करेंगे। कुछ महीनों पहले वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच काफी बड़ा विवाद हुआ था। इसमें दिल्ली पुलिस पर वकील काफी हावी होते हुए दिखाई दिए थे, अपने ऊपर हुए हमले के विरोध में धरना भी लगाया था और वकीलों पर कार्रवाई की मांग भी की थी। पर जब सरकार द्वारा CAA कानून लाया गया तब दिल्ली पुलिस का एक अलग रूप ही देखने को मिला। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस बिना किसी परमिशन के कैंपस में अंदर घुस गई और स्टूडेंट्स पर लाठी चलाई और तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने तो लाइब्रेरी में बैठे छात्रों को भी नहीं छोड़ा, जिसकी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। किसी वीडियो में पुलिस तोड़फोड़ कर रही थी और किसी वीडियो में स्टूडेंट्स को लाठियों से मार रही थी। JNU में जब नकाब पोश लोग कैंपस में घुसे तब पुलिस बाहर हिंसा होने का इंतजार कर रही थी और परमिशन का इंतजार करती रही। इसकी भी वीडियोस वायरल हुई थी। किसी किसी वीडियो में पुलिस ही उन नकाब पोश लोगों की मदद करती दिखाई भी दे रही थी। दिल्ली की जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स CAA के विरोध में रैली निकालते हैं तब एक व्यक्ति पुलिस की मौजूदगी में ही प्रोटेस्टर्स पर गन तान देता है। कुछ ही मिनटों बाद वह उन पर गोली चला देता है और एक छात्र को गंभीर रूप से घायल भी कर देता है। लेकिन पुलिस गोली चलने का शायद वह खड़े इंतजार कर रही थी। पुलिस को उस व्यक्ति को गोली चलाने से पहले रोकना चाहिए था, पर पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाल ही में दिल्ली में एक बड़े स्तर पर हिंसा हुई जिसमें काफी लोगों की जान गई। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस की CCTV को तोड़ने की वीडियो काफी वायरल हुई। देखो भाई ये कैमरा तोड़ रहे हैं, देखो ये देखो लगा हुआ कैमरा पूरा तोड़ रहे हैं। ये यहाँ पर कैमरा तोड़ रहे हैं जिससे इनकी जो है ना ये जो उल्टी सीधी हरकत से कर सके, इसलिए ये सबूत को खत्म कर रहे हैं। ये कैमरा तोड़ रहे हैं, देखो ये कैमरे दो कैमरे लगे हुए कैमरा तोड़ रहे हैं। कैमरा क्यों तोड़ रहे हो चोर, कैमरा तोड़ रहा साला। पुलिस इतनी बड़ी हिंसा में नाकाम साबित हुई, ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस ने कोशिश ही नहीं ना की हो। अच्छी तरह हिंदुस्तान में रहा, आजादी 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 पुलिस आजादी। BJP नेता कपिल मिश्रा ने DCP की मौजूदगी में धमकी दी पर पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली में आग लगी रहे ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है, CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे ट्रंप के जाने तक, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। हाल ही में जब हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हेट स्पीच देने वाले नेताओं के खिलाफ FIR ना दर्ज करने को लेकर फटकार लगाई थी तो इसके बाद उस जज का ही ट्रांसफर कर दिया गया जिसने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, पर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता पर कुछ नेताओं ने आलोचना की है और कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। पुलिस को जबकि जामिया के वाइस चांसलर ने कोई पावर नहीं दिया एंटर होने का, कैसा एंटर हुए,
क्यों एंटर हुए, आप रजिस्टर करिए एफआईआर, तहकीकात करिए। पुलिस क्या होली काउ है, पुलिस की मारने की वजह से बच्चे जख्मी हुए, पुलिस की वजह से अभी तो वुमेन हॉस्टल के वीडियो निकलने बाकी हैं, वुमेन्स के हॉस्टल में घुस के मारे बच्चों को, वो वीडियो में निकलेगा, देखिए बाप उनको क्या बोलेंगे, बाल पकड़ के मारे बच्चों के, वो वीडियो भी निकलेगा। ये सरासर पुलिस का जुल्म है, इसको मैं कंडेम करता हूं और होम मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करें, इनके खिलाफ एफआईआर बुक करें, क्योंकि अगर लॉयर्स को, जब लॉयर्स जब पुलिस वाले को मारे, जब पुलिस वाले अपनी बहादुरी नहीं दिखाए, इन बच्चों के खिलाफ बहादुरी दिखा रहे और जुल्म कर रहे हो लोगों पर। जिस तरीके से दिल्ली में दंगा भड़काने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर करने की जब अनुमति दी, कहा एक जज ने कि आप एफआईआर कीजिए, उनका रातों रात तबादला हो जाता है। कैसे लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के साथ हथियार के साथ पकड़े जाने वाले देवेंद्र सिंह के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता है, और कैसे कर्नाटका में स्कूल के 8 साल और 10 साल के बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। ये जरूरी हो गया है कि देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो, और हम जानते हैं कि देश के खिलाफ कोई नारेबाजी हमने नहीं की है, नारा हम लगाते हैं देश के लोगों के हक और अधिकार के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा, देरी से कहा पर कहा जरूर, कि धारा 144 का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था, विरोध करने से पहले, बात कहने से पहले, प्रदर्शन करने से पहले धारा 144 लगाई जाती है देश में। दूसरा, अपनी बात कहना या सरकार से मतभेद को व्यक्त करना, सरकार की गलत नीति कानून का विरोध करना, उस पे 124 से आईपीसी का लगता है, सेडिशन का, देशद्रोह हो जाता है वो। अभी जो हाल में दिल्ली में दुखद घटनाएं हुई, हिंसा हुई, लोगों की मौत हुई, इसमें हमने कहा कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में, कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं आपसे बात करी थी, कि उसमें जानबूझ के कार्रवाई नहीं की, वो दंगे रुक सकते थे। उसी पुलिस ने आज दंगे रोके हैं एक दिन में, जिन्होंने 4 दिन तक दिल्ली को जलने दिया। तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। अब जो कार्रवाई हो रही है वो भी एक तरफा, जो लोग विरोध में थे, धरने पे थे, उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे बनाए जा रहे हैं। कि जब पुलिस स्टूडेंट्स के आगे होती है तो अपना पूरा जोर लगाती है, पर जब सामने वकील हो तो वो धरने पर बैठ जाती है। पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, ना कि जनता को ही नुकसान पहुंचाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।